आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आजकल हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक खामियां हैं। आज हम बहुत सारे शिक्षित युवक तो पैदा करते हैं, लेकिन उनमें स्किल की कमी होती है, उनको रोज़गार नहीं मिलता और वो बेरोजगारों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली में अनेक खामियां होती हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूलों में छात्रों की संख्या घटती जा रही है। बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार के स्कूल होते हैं जिनमें छात्रों की संख्या बहुत ही कम है या मानक से भी कम है। बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल में जिसमें एक एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं को पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है और छात्र वहाँ पर एक या दो शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार से अनेक ऐसे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोले गए हैं जिनमें शिक्षित शिक्षक नहीं रखे जाते, केवल कुछ पढ़े लिखे शिक्षकों को ही वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है और अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ धोखा किया जाता है, अभिभावकों के साथ धोखा किया जाता है। अच्छे स्कूलों की कमी और अच्छे शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षण व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आजकल की शिक्षा में हमें यह भी देखने में आया कि यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है वो उसमें भी अनेक खामियाँ हैं। वह केवल अंक तो देती है, बच्चों के 100 में से 100% अंक आ जाते हैं, लेकिन बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आज की शिक्षण व्यवस्था में एक ओवरहॉल की ज़रूरत होती है, बहुत ही चेंज की ज़रूरत है। आज हम इसी शिक्षण व्यवस्था को कैसे सुधार कर सकते हैं और कैसे सभी शिक्षक और प्राचार्य मिलकर इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, इसके बारे में आज हम वार्ता करना चाहते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता कई महत्वपूर्ण कारणों से है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। नंबर एक, पारंपरिक पाठ्यक्रम और पद्धतियाँ। वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति पर आधारित है। यह प्रणाली रटने पर जोर देती है, जिससे छात्रों में सृजनात्मकता और नवाचार की कमी होती है। छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है, जो उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद कर सके। इसलिए आज हमारी शिक्षण व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है। उसमें व्यवहारिक ज्ञान को समायोजित करने की आवश्यकता है, ताकि हम छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान दे सकें। उनको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना आवश्यक है। इसीलिए NEP 2020 में भी इसके प्रावधान किए गए हैं, जिसको सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि भारतीय शिक्षण व्यवस्था में ओवरहॉल किया जा सके, उसमें ज़्यादातर चेंज किया जा सके, उसमें परिवर्तन किया जा सके। नंबर दो, स्किल गैप। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में नई नई स्किल की ज़रूरत होती है, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्किल के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। परिणाम स्वरूप कई ग्रेजुएट के पास ऐसी स्किल नहीं होती जो उन्हें नौकरी पाने में मदद कर सके। उन्हें अक्सर अपनी पढ़ाई के बाद फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। NEP 2020 में भी स्किल का प्रावधान किया गया है। इसलिए शिक्षण व्यवस्था में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सीख सकें, और अगर उन्हें नौकरी ना मिले तो पढ़ाई के बाद वह अपनी स्किल का प्रयोग करके रोजगार सृजन कर सकें और अपने रोजगार प्राप्त कर सकें, अपने लिए आजीविका का साधन अपना सकें। इसलिए शिक्षण प्रणाली में स्किल एजुकेशन का समावेश होना ज़रूरी है। नंबर तीन, बेरोजगारी और रोजगार। देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा प्रणाली को नौकरी प्रदान करने वाली प्रणाली की तरह होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर रही है। बहुत से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उनके पास उद्योग की मांग के अनुसार कौशल नहीं होता है। इसलिए भारतीय शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा के साथ साथ कौशल की भी ज़रूरत होती है, और हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें वर्तमान में रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता हो, तथा उद्योग की मांग के अनुसार ही हम उसमें कौशल को सम्मिलित करें, ताकि उद्योग की मांग भी पूरी हो सके और उसमें हमें कौशल के साथ छात्र भी ऐसे हों जो उन उद्योगों में आजीविका प्राप्त कर सकें और उन उद्योगों में नौकरी कर सकें। इसलिए हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था में पढ़ाई के साथ साथ कौशल को भी स्थान देना होगा, ताकि हम कौशल भी बच्चों को अंदर सर्जित कर सकें और बच्चे कौशल प्राप्त करके अपनी नौकरी कर सकें।
नंबर चार, अनुपयुक्त परीक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली की परीक्षा प्रणाली छात्रों के ज्ञान और उनकी समझ को ठीक से मापने में असमर्थ है। यह प्रणाली छात्रों को मात्र अंक प्राप्त करने पर केंद्रित करती है, जिससे वह गहरे और व्यवहारिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारी परीक्षा प्रणाली में भी व्यापक सुधार की आवश्यकता हुआ है, जिससे परीक्षा प्रणाली को बदलकर हम ऐसी परीक्षा प्रणाली लें जिसमें अंकों के साथ साथ बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान के भी मापन की व्यवस्था हो, बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान को भी वह मेजर कर सके और उससे व्यवहारिक ज्ञान के भी प्राप्ति हो सके। बच्चों को हमें अंकों के आधार पर भी मापन करना है, लेकिन उनके व्यवहारिक ज्ञान का भी मापन करना है, इसलिए बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को भी इसमें मेजर करना है। नंबर पाँच, शिक्षा का असमान वितरण। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिससे वहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हमने देखा और पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था की बहुत ही बुरी व्यवस्था है। वहाँ पर न तो अच्छे शिक्षक उपलब्ध हैं और न ही अच्छे स्कूल उपलब्ध हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है और शहरी क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध है। इस असमानता के कारण बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अपने आप को इसके लिए उपयुक्त नहीं पाते हैं और इस कमी के कारण ही उनके अंदर बेरोजगारी बढ़ती है और उनके रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। इसलिए हमें इस कमी को दूर करना है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में एक समान शिक्षा की व्यवस्था करनी है। नंबर छः, शिक्षकों की कमी। बहुत से सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों और नई नई पद्धतियों की जानकारी देने के लिए नियमित ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पुरानी शिक्षण पद्धतियों से ही सिखाते हैं, उसी से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ना तो आधुनिक शिक्षण तकनीकों का ज्ञान है और ना ही उन्हें नई नई पद्धतियों की जानकारी है, और इसके अभाव में वह शिक्षा को अच्छी प्रकार से बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चों के ज्ञान में कमी रह जाती है और बच्चे अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, अच्छी तरह ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। इसलिए शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों और नई नई पद्धतियों की जानकारी देना आवश्यक होता है और इसके लिए उनकी लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए और इन सर्विस ट्रेनिंग से ही हम उनको नई नई शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान दे सकते हैं और नई नई शिक्षण तकनीकों का ज्ञान दे सकते हैं, जिससे शिक्षा में सुधार हो सके। नंबर सात, अनुसंधान और नवाचार की कमी। भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान और नवाचार को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है। अधिकतर छात्र सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं और अनुसंधान में कम रुचि दिखाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली वैश्विक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पिछड़ जाती है। इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें अनुसंधान और विकास भी साथ साथ हो, ताकि हम अनुसंधान करके नई नई शिक्षण पद्धतियों की को विकसित कर सकें और अनुसंधान के साथ साथ हमें नवाचार भी उसमें लाने चाहिए, ताकि नवाचार के माध्यम से हम बच्चों की अच्छी प्रगति करा सकें, उन्हें अच्छा ज्ञान दे सकें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें। नंबर आठ, मानसिक स्वास्थ्य। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व कम है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परीक्षा के दबाव के कारण छात्रों में तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन देने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें वर्तमान शिक्षण प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, ताकि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने की व्यवस्था भी उसमें हो। NEP 2020 में इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए हमें NEP 2020 के अनुसार ही प्रावधान करके स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके और उनमें तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं पैदा न हो, इसका भी ध्यान रखा जा सके। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर और आवश्यक सुधार करके इसे एक आधुनिक, समावेशी और व्यवहारिक प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है।
जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया कर सके। इसलिए हमारे वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में ओवरहॉल की ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि हम इन चेंजेस को करके वर्तमान शिक्षण व्यवस्था को में सुधार कर सकें। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।